जब से मैं इस फैमिली से जुड़ा हूँ, पानी की जिद होती है वो उसमें है। तब सेकंड ईयर में मैंने मतलब यूट्यूब पे देखा कि कौन सी कोचिंग वगैरह अच्छी है, तो इम्प्रेस का पहले मैंने नाम सुना, फिर मैंने लेकिन मेरा थोड़ा सर मतलब नेविगेशन में थोड़ी दिक्कत हो गई, थोड़ा माउस का भी प्रॉब्लम आ गया, तो इसके वजह से मेरे बहुत सेकंड राउंड में बने बहुत क्वेश्चन छूट गए मेरे से। चलिए लिमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, कास्तूफ से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 217 है, जो कि महाराष्ट्र से हैं। तो कास्तूफ, सबसे पहले तो 217 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो कास्तूफ, आपने जो ये रैंक अचीव की है, आपने एक ड्रॉप लिया था, पर आपकी जो इंटायर जर्नी है, मैं चाहूंगा सबसे पहले वो बताएं, क्योंकि जब ये बच्चे सेशन सुनते हैं तो कोई बच्चा किसी बच्चे से कनेक्ट होता है, हर बच्चे का अलग अलग कनेक्शन होता है, तो आपने कब सोचा था, फिर किस ढंग से प्रिपरेशन की और किन किन बातों का आपने ध्यान रखा, और ड्रॉप लेते वक्त क्या आपके मन में थॉट था? सर मैंने निमसेट के बारे में पहले सुना था, जब मैं अपने बीसीए के सेकंड ईयर में था, तब सेकंड ईयर में मैंने मतलब यूट्यूब पे देखा कि कौन सी कोचिंग वगैरह अच्छी है, तो इम्प्रेस का पहले मैंने नाम सुना, फिर मैंने जब थर्ड ईयर में मैं गया तब मैंने आपका ऑनलाइन कोर्स लिया था, तो थर्ड ईयर में लेकिन मैं अच्छे से कर नहीं पाया क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी इतने अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाई, तो फिर मैंने दूसरे कॉलेज के लिए ट्राई करने की कोशिश की, फिर AKTU के थ्रू मैंने अप्लाई किया, बट उसमें मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, तो इसके वजह से मैंने फिर इस साल फिर से ड्रॉप लिया, और इस साल फिर से मैंने प्रिपरेशन करी, फिर इस साल मैंने फिर से ऑनलाइन कोर्स लिया था इम्पीडस का। बिल्कुल अच्छा हुआ ना जो आपने पिछले साल एडमिशन नहीं लिया, कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ सर, तो आज आपको उसका अच्छा पता चल रहा है कि आज आप अच्छे NIT में जाने वाले हैं, नो डाउट 217 रैंक पर। तो कास्तूफ, जब आपने ड्रॉप का मन बना लिया, क्योंकि पहले एडमिशन लेने आते फिर नहीं ले पाए, तो ड्रॉप लेने के बाद कोई मन में डर था किसी तरह का? ड्रॉप लेने के लिए तो डर ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे बिलीव था कि मैं मतलब अच्छे से करूंगा तो हो जाएगा मेरा सिलेक्शन, तो फिर मैंने यही सोचा और फिर लिया ड्रॉप मैंने इस साल। अच्छा, जब आप पेपर दे रहे थे इस बार, पेपर का पैटर्न अलग तरह का था, तो क्या मन में थॉट थे और पेपर देते समय क्या सोचे थे आप, और क्या स्कोर था और किस तरह से पेपर को हैंडल किया? अच्छा, तो इस साल मेरा स्कोर आया है वो 489 आया है, तो मैंने एक्चुअली पेपर में जब मैंने मैथ सेक्शन में मतलब पहले बार पेपर खुला मैथ सेशन, तो थोड़ा मुझे अलग पेपर लगा, तो मैंने सोचा कि प्रेशर लेके क्या ही होगा, तो मैं क्या मैंने थोड़ी अलग सी स्ट्रेटेजी फॉलो की, मैंने पहले 15-20 मिनट में पूरा पेपर स्कैन किया, और जो मुझे सही क्वेश्चन लगे, सिंपल क्वेश्चन लगे, वो मैंने पहले क्वेश्चन किए, फिर मैंने साथ में मैंने क्वेश्चन वो मार्क भी किए थे जो मुझे सेकंड राउंड में करने थे, फिर मैं उस क्वेश्चन पर वापस आ गया, लेकिन मेरा थोड़ा सर मतलब नेविगेशन में थोड़ी दिक्कत हो गई, थोड़ा माउस का भी प्रॉब्लम आ गया, तो इसके वजह से मेरे बहुत सेकंड राउंड में बने बहुत क्वेश्चन छूट गए मेरे से, तो मेरे टोटल 28 अटेम्प्ट हो गए मैथ्स में, उसमें मेरे 3 रॉन्ग हो गए। ओके, और LR में? LR का सर मैंने जब LR खोला तो मैंने यही सोचा था कि मैं सिंपल जो सिंगल क्वेश्चन थे जिस तरह आप भी बोलते थे, तो मैंने वही फॉलो किया, मैंने फर्स्ट 15-20 मिनट में मैंने पूरा मतलब फर्स्ट से 40 क्वेश्चन तक मैं चला गया, फिर वापस आ गया, फिर मतलब वही सॉल्व किया जो, लेकिन LR में मेरा क्या होगा कि एक पजल था शायद, जो मैंने एक ही क्वेश्चन मुझे दिखा वहाँ पे, बाकी क्वेश्चन मुझे दिख नहीं पाए, तो उस पजल में मेरे 3-4 मिनट ऐसे वेस्ट चले गए सर एक क्वेश्चन के लिए, और LR में मतलब और नेविगेशन का भी बहुत इशू हो रहा था सर, मतलब मैं माउस पे 2-3 बार क्लिक कर रहा था फिर भी वो क्वेश्चन ओपन ही नहीं हो रहा था, तो इसकी वजह से LR में मेरा बहुत मतलब डाउन स्कोर हो गया, LR में मेरा 114 स्कोर आ गया, LR में मेरा अच्छा स्कोर आता था सर। इनफैक्ट अगर वो थोड़ा माउस सही चलता तो आपकी 217 की जगह कुछ और अच्छी रैंक होती, बट anyway, उसके बाद भी बहुत अच्छी रैंक थी। अच्छा, कंप्यूटर का क्या आपका फीडबैक है? सर कंप्यूटर का मैंने एक्चुअली इतना कंप्यूटर में दिया ही नहीं, क्योंकि मेरा स्कोर 60 आ गया कंप्यूटर में। अच्छा, और मेरे गलत अच्छे खासे गलत हो गए इसमें। ओके, नहीं तो वो भी गलत नहीं होते तो और अच्छा था। बिल्कुल, कंप्यूटर में मतलब जो अपने शिवम सर ने पढ़ाया था वही मतलब ठीक ठाक लगभग वही आया था, तो मेरे कंप्यूटर में 50-60 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, रॉन्ग बहुत हो गए, एग्जैक्टली भी याद नहीं रॉन्ग कितने हो गए। चलो कोई बात नहीं। अच्छा कास्तूफ, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? जूनियर्स को यही मैसेज है कि पहले आप मैथ्स भी पढ़ो, जो LR भी पढ़ो, सब पढ़ो, लेकिन पेपर को हैंडल करना बहुत मतलब सीखना जरूरी है अभी, क्योंकि जिस तरह का भी पैटर्न आ गया है ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पेपर को कैसे फेस करते हो,
आप पेपर को हैंडल कैसे कर लेते हो, आप जो मतलब प्रेशर में कैसे काम करते हो, क्योंकि आपका यही अभी एक्चुअल और एक्यूरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेंसी आपको बहुत मेंटेन करनी है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी एक्यूरेंसी आपके ऊपर नीचे हो गए तो आपका रैंक बहुत मतलब धक्के खाएगा, रैंक बहुत नीचे जाएगा। बिल्कुल सही बोला काश्तुभ। काश्तुभ आपके साथ आए, शायद आपके ब्रदर इन लॉ आए, जिया जी आए, हाँ तो मैं चाहूंगा कि वो भी आए और कुछ चीजें आपके बारे में डेफिनेटली बताएंगे कि किस ढंग से आपने सिंसियरली पढ़ाई की, किन किन बातों का ध्यान रखा। तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं काश्तुभ की, इतनी अच्छी रैंक आई और आप भोपाल आए अवार्ड सेरेमनी के लिए, थैंक यू। तो काश्तुभ को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? सब बहुत ही हार्ड वर्किंग है, क्योंकि मैं जब से मैं इस फैमिली से जुड़ा हूँ मैं देख रहा हूँ उसका जो इंटेलिजेंस है बहुत ही अच्छा है, और एक पाने की जिद होती है वो उसमें है, और वो उसने भले उसको जितना चाहिए था उतना नहीं मिला, फिर भी उसको पता है कि किधर तक जाना है और क्या करना है, तो सभी खुश है, हम भी खुश है, नहीं, उसको जितना चाहा उससे थोड़ा ही कम मिला, वो भी थोड़ा ही उस कम मिला। कंडीशन में कि ओ यस थोड़े बीच बीच में जो गड़बड़ हुई, यस यस अदरवाइज उसकी इसकी टू वजह वन से सेवन इज अ गुड रैंक, मतलब गुड इसमें रैंक। टॉप 3 के कॉलेज ही मिलेंगे, यस बल्कि और भी अच्छी हो सकती थी हो बाई सकती चांस, पर अच्छी बात है कि कंप्रोमाइज नहीं करने की आदत है और अपनी जिद की बात जो आपने भी बोली अच्छी यस क्वालिटी बोली। तो हाँ थैंक यू सो मच कि आप थैंक यू भोपाल आए और अब अवार्ड सेरेमनी में रहेंगे आप, यस तो यस वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू।